इंदौर को मिली मेट्रो ट्रेन की सौगात के बाद मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि मैं पूरे इंदौर की तरफ से आपको नमन करता हूं। आपने शहरवासियों और प्रदेशवासियों की हर आस को पूरा किया है। लोग हर बार इस आस में वोट देते थे कि इस बार मेट्रो ट्रेन आएगी, लेकिन उनके हाथ खाली रहते थे। कमलनाथ जी की सरकार ने वो काम कर दिखाया है, भूमि पूजन हो गया है। पटवारी ने अपने भाषण में मंत्री जयवर्धन सिंह से कहा कि अब मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसी कार्यकाल में मेट्रो ट्रेन को हरी झंडी दिलवाएं। इसके बाद पटवारी ने मिल मजदूरों का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि कमलनाथ सरकार ने हर वर्ग की उम्मीद को पूरा किया है, चाहे वो किसान हो, छात्र हो या व्यापारी। किसानों के ऋण माफी जैसे ऐतिहासिक फैसले के बाद अब इंदौर के मिल मजदूर भी आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप इस मामले में न्याय करवाएंगे। मिल मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। ये सरकार आम आदमी की सरकार है। जनता क्या चाहती है उसी के आधार पर ये सरकार फैसले लेती है। जल्द ही मिल मजदूरों के लिए भी अच्छी खबर आएगी। साथियों, 2008 और डीपीआर और 2019 भूमि पूजन, एक जैसा जयवर्धन सिंह जी ने कहा कि जब सेंक्शन की थी, विचार को मूर्त रूप दिया था, जब भी कलम किसकी चली थी, वो सौभाग्यशाली हम लोग इंदौर के शहरवासी। मैं इंदौर का नागरिक होने के नाते कमलनाथ जी को शत शत नमन करता हूँ। पूरे इंदौर की ओर से कमलनाथ जी, आपने इतनी बड़ी सौगात पहले दिन भी दी और भूमि पूजन भी किया, ये हमारे लिए गौरव का विषय है। मैं मानता हूँ इस बात को कि हर चुनाव में मेट्रो का मुद्दा आता था। मैं मानता हूँ इस बात को कि हर चुनाव में हम लोग जब वोट करते थे तो इस आस से करते थे कि मेट्रो आएगी, पर इस बार जब भूमि पूजन हुआ है तो बिना आस से, बिना वोट से, बिना लालच से, सिर्फ सेवा से हुआ है और वो कमलनाथ जी ने किया है। ये भाव इंदौर की जनता के बीच में, घर घर एक एक व्यक्ति के बीच में एहसास होता है इस बात। और शंकर भैया, आप प्रयास करें केंद्र से वो योजनाएं जो इंदौर शहर के हित में आ सकती हो। मध्य प्रदेश सरकार खुले हाथ से, खुले मन से हमेशा तत्पर होगी इंदौर के विकास के लिए। यह हम आपको खुले मन से आश्वस्त करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, एक मुद्दा इस शहर का है। पहले आपने प्रयास किया था अवैध कॉलोनियों को वेव करने का, उसने कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो इंदौर शहर की जनता के सामने है, पर एक मुद्दा है मिल मजदूरों का, हुकमचंद मिल का। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि हुकमचंद मिल के मजदूरों के साथ न्याय होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने भाषण में खेती का जिक्र किया। उन्होंने हॉर्टिकल्चर पर जोर देने की बात कही। हॉर्टिकल्चर वो क्षेत्र है जहां खाने पीने की चीजों के पौधे और फसल की तैयार की जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम हॉर्टिकल्चर को दुरुस्त बनाएंगे तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था कामयाब होगी। आज बहुत बड़ी आवश्यकता है मध्य प्रदेश में हमारे हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर में हमारी ग्रोथ हो। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हमें फूड प्रोसेसिंग की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें तो मार्केटिंग की बात करें। आई वुड थिंक दैट सीआईआर शुड लुक इनटू हॉर्टिकल्चर, बिकॉज टेक अ कंपनी लाइक कोको कोला, दे आर गोइंग इन अ बिग वे इन हॉर्टिकल्चर। कहते हैं हम नहीं करेंगे, हम किसानों से करेंगे। डू दे हैंड होल्ड, हाउ डू मोटिवेट द फार्मर टू गो टू ट्रांजिट। किसी किसान को ये शक होता है अगर उसका मक्का होगा या उसका घी होगा या धान होगी, कहता कहीं ना कहीं तो बिजली जाएगा। पर जब हॉर्टिकल्चर की बात करें वो सोचता है मेरा ना बिके, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है, मेरे फल हुए या सब्जी हुई ये तो हफ्ते दस दिन में खराब हो गए। तो हॉर्टिकल्चर में ये रिस्क होता है जो उतना रिस्क बाकी चीजों में नहीं होता। सो बट हॉर्टिकल्चर इज अ वेरी मेजर, हॉर्टिकल्चर इज फूड प्रोसेसिंग इज अ वेरी मेजर एरिया। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।